सजा है, ये एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल तो नहीं है, ये खुद इसकी अलामत है कि अल्लाह ने हमें महदूद वक्त के लिए भेजा है और इतना खूबसूरत बनाया अल्लाह ने इंसान को और इतनी कुदरत का शाहकार बनाया, अल्लाह कभी भी नहीं चाहेगा इसको मार के खत्म कर दे, लेकिन अल्लाह फिर भी मार रहे हैं। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं हमने मौत इसलिए रखी है ताकि हम तुम्हें आजमाएं, इसलिए इस जहां से तुमने निकलना है, यहां से ट्रांसफर होना है, मुंतकिल होना है, ये असल नहीं है। इससे बहुत सारे इश्कालात हल हो गए। एक साहब थे, मैं गुलशन इकबाल में रहा करता था, उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा। अब पता नहीं वो फैमिली प्लानिंग वालों के मशवरे की वजह से ऐसा हुआ था या कुदरत ने उनको बेटा ही एक दिया, बहरहाल एक बेटा था उनका, पढ़ाया लिखाया। जाहिर है माँ बाप का जब एक और इकलौता हो तो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने कि भाई अब सब कुछ इसी को बनाओ, मेहनत करके उसको इंजीनियर बनाया या एमबीए करवाया मुझे याद नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग गई। पहला दिन था तो अब जाहिर है माँ बाप ने सारी जिंदगी जो मेहनत की तो उस मेहनत का सिला अब वालिदैन को नजर आ रहा है ना कि इतनी बड़ी कंपनी में हमारे बेटे की जॉब लग गई और महीने के बाद सैलरी आना शुरू। पहला दिन था, आपको याद है 6-7 साल पहले कराची में बेतहाशा बारिशें हुई थी, बेतहाशा बारिशें हुई थी, पूरा महीना होती रही थी। तो वो शाह फैसल कॉलोनी में कहीं जॉब करता था, वापस जब वो लड़का आ रहा था पहला दिन उसका, कितने खुशी खुशी माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। जब वापस आ रहा था तो शाहराए फैसल पे गाड़ी में पानी भर गया, पानी इतना ज्यादा जमा हो गया था, गाड़ियां पानी में डूब गई थी। उस दौरान बिजली की एक तार गिरी है, उसमें करंट था और वो पानी से करंट, पानी का करंट तो बहुत खतरनाक होता है, वो उस लड़के को लगा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, मर गया। मैं चूंकि उनके करीब ही रहता था तो लोग परेशान, यार ये क्या हो गया, बच्चा मर गया, माँ बाप का इकलौता और सारी जिंदगी उसको, आज तो फल खाने का वक्त आया था। मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह ने उस बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए या कमाने के लिए पैदा नहीं किया था। अगर अल्लाह ने उसको कमाने के लिए पैदा किया होता तो जब तक वो अच्छी तरह कमा ना लेता अल्लाह उसे मौत ना देते, बल्कि कमाने के बाद भी मौत ना देते, क्योंकि जब कमाना शुरू किया तो जिंदगी का जब मकसद हासिल हो गया तो जिंदगी शुरू हुई है उसकी,